पाल्टन रिविजन पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने पतंगबाज हसन रजा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से पतंग और ढोर बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO का कहना था कि पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी। विघन बाईपास पर 11,000 वोल्टेज तार गिरने से भट्टा मजदूर गांव जाफानी का रहायशी 35 साल नौजवान खादम हुसैन डंड लगने से जान बहक हो गया। 11,000 वोल्टेज की तारें अक्सर बहुत नीचे लटकी रहती हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसा मामूल बन गए। मजदूर खादम हुसैन की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए रूरल हेल्थ सेंटर पहुँचा दिया गया, जबकि भट्टा मजदूरों और वाहकी ने विघन में चौक पर पहुँच कर एहतजाजी मुजाहरा किया। जिस मुजाहरे में मजदूरों ने सेप्को वालों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और आला हुकाम से मुतालबा किया कि सेप्को वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जबकि रूरल हेल्थ सेंटर विघन में नाश की जरूरी कार्रवाई के बाद नाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। इकबालटाउन डिवीजन पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नवाखोट पुलिस की कार्रवाई। नवाखोट पुलिस ने पतंगबाज जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से पतंग और डोर बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO नवाखोट का कहना था कि पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी।